लेकर हर पार्टी अपने अपने तरीके से मुद्दा भुनाने में लगी है। नागपुर के संविधान चौक से ओबीसी को राजकीय आरक्षण देने वाले मंडल आयोग के जन जागृति के लिए मंडल यात्रा की शुरुआत की गई। इस मौके पर विधायक परिणय फूके इन्होंने हरी झंडी देकर यात्रा को रवाना किया। आइए देखते हैं। ओबीसी को राजकीय आरक्षण देने वाले मंडल आयोग के जन जागृति के लिए आज से नागपुर के संविधान चौक से मंडल यात्रा की शुरुआत हुई है। आने वाले 7 अगस्त को मंडल दिन मनाया जाना है। इसी कारण विदर्भ के 7 जिलों में जाकर विद्यार्थी और ओबीसी नागरिकों के लिए इस यात्रा के माध्यम से जन जागृति की जाने वाली है। हाल ही में ओबीसी की स्थिति और भविष्य में होने वाली जनगणना में ओबीसी कॉलम का सहभाग बहुत जरूरी है, आदि बातें लोगों को समझाने के लिए यात्रा का समापन 7 अगस्त को नागपुर में होना है। इस मौके पर विधायक परिणय फूके इन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर ओबीसी मुहिम के लिए काम करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपचा आमदार म्हणून नाही किंवा पक्षाचा हे म्हणून नाही, पण मी इथे एक ओबीसीचा कार्यकर्ता म्हणून इथे आलेलो आहे। आणि ही जी चळवळ जी अनेक वर्षापासून सुरू आहे, याच्यात मी कॉलेजमध्ये असतानापासून या चळवळीत सहभागी आहे। त्यानंतर पुढे मी राजकारणात आलो, नगरसेवक झालो, आमदार झालो। पण निश्चितच ओबीसी समाजाप्रति जी माझी बांधिलकी आहे, त्या बांधिलकीच्या याच्यामुळे आधारे मी इथे आलेलो आहे। आणि निश्चितच आज या मंडल यात्रेची पासून सुरुवात होणार आहे, त्यानंतर भंडारा माझ्या जिल्ह्यामध्ये भंडारा गोंदिया गडचिरोली या सगळीकडे जाणार आहे आणि पूर्ण पूर्व विदर्भाचा दौरा करून परत ही यात्रा नागपूरला येणार आहे। आणि निश्चितच या 5-7 दिवस चालणाऱ्या यात्रेमध्ये निश्चितच पूर्ण पूर्व विदर्भातील सर्व जनतेला मंडळांनी आपल्यासाठी काय केलं आहे, त्यानंतर ओबीसी आरक्षण आपल्याला कसं लागू झालं, या सगळ्याची माहिती या सगळे कार्यकर्ते लोकांना देणार आहे। आणि जनगणनेमध्ये ओबीसीचा कॉलम असला पाहिजे याची सुद्धा जे महत्त्व आहे ते लोकांना या माध्यमातून आपण सांगणार। ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है। ओबीसी है तो हर किसी पार्टी की आन बान शान है। आज भी हर पार्टी में अधिकतर ओबीसी कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। जरा सोचो, अगर ओबीसी नहीं होता तो राजनेताओं का क्या होता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN न्यूज़ नागपुर।